नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि जो आपका यूपी टेट है उसका नोटिफिकेशन जो है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन एक शॉर्ट वे में आप लोगों के सामने रखा गया है। किस तरीके से, तो मैं इस पे बात करने वाला हूँ। और संभवतः आप लोगों को न्यूज़ मिली भी होगी, और नहीं मिली है तो यहाँ स्टडी शाला के माध्यम से ए टू जेड कंप्लीट आपको बताया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा ट्विटर पे एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में ये कहा गया है कि यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, अगस्त में होगी, और जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो मई में ही जारी किया जाएगा लास्ट में। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इस न्यूज में कितनी सच्चाई है और कहाँ से ये न्यूज आपको मिल रही है। क्या वाकई में ये परीक्षा अगस्त में होगी या फिर सितंबर में भी होने के चांस है, और ये जो आपका नोटिफिकेशन ये मई में जारी हो जाएगा या नहीं जारी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो ट्वीट आया है इस ट्वीट को हम लोग एक बार देखते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं ट्विटर पर, और ट्विटर पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सर्च में जाके आपको सर्च करना है बेसिक ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का आपका एक होम पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए, किसी भी सुनी सुनाई न्यूज पर आपको भरोसा करने से अच्छा है कि आप क्या कर लें, आप सीधे सीधे जाके खुद उसकी जांच कर लें, खुद उसको परख लें, ठीक है। तो अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश पर आप जाएंगे तो आप थोड़ा नीचे जाएंगे। अभी ये वीडियो जब बनाई जा रही है तो लगभग इसके 2 घंटे पहले ये जो है पोस्ट की गई थी सूचना, ठीक है। नीचे हम लोग आएंगे और यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि चलिए यहां पर लिखा है नोटिफिकेशन रिलीज फॉर यूपीटेट एग्जाम विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त, और यहां पर जो है एक लिंक दिया गया है, ठीक है, एक लिंक दिया गया है। किस चीज का लिंक है तो मैं इस पे भी आपको क्लिक करके दिखाता हूं। देखिए, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर दी गई है कि क्या चीजें इसमें होने वाली हैं। अभी आपको सब एकदम क्लियर पता चलने वाला है कि कौन सी चीज कब हो सकती है, क्या ये फिक्स है कि अगस्त में ही परीक्षा होगी या फिर ये एक संभावना बताई जा रही है। तो देखिए, मैं जो है इस लिंक पर क्लिक कर लेता हूं, तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुल के आएगा, ठीक है। पोस्ट, ये देखिए इंडिया पोस्ट इंग्लिश, ये इंडिया पोस्ट इंग्लिश एक वेबसाइट है, यहां पर ये न्यूज पोस्ट की गई है जिसे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर लाके पोस्ट किया गया है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर अगर हम लोग इस न्यूज को थोड़ा सा जूम करके पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है ना, मैंने इसको पढ़ा उसके बाद मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे कि इसमें क्या कहा गया। देखिए, यहां पर है कि चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है कि इन्होंने जो है प्रोसीजर जो इसका है यूपी टेट नोटिफिकेशन के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए कहा है। और इन्होंने कहा है, जैसे जो आपका शिक्षक सेवा चयन आयोग बन रहा था उसका ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है और वो भी आपको एकदम साफ तौर पर दिख जाएगा, फिर वही जो है उसी के माध्यम से क्या किया जाएगा, यूपी टेट को शुरू किया जाएगा। अब यहां पर ये लिखा गया है कि यूपी टेट की जो परीक्षा है ये कब आएगी। देखिए, यहां पर ये नहीं क्लियरली दिया गया है कि यूपी टेट की परीक्षा एकदम अगस्त में हो जाएगी, यहां पर दिया गया है कि सून, ठीक है, यूपी टेट 2023 की परीक्षा जल्दी आएगी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बाकी अगर आप इस न्यूज को पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें दिया गया है कि अगर जो सूचना मिली है वो बिलीवेबल है, ठीक है, अगर जो सूचना मिली है वो बिलीवेबल है तो आपको यहां देखिए लास्ट वीक ऑफ मई, इस लास्ट वीक, मई के लास्ट वीक में क्या करेगा, आपका जो आयोग है वो यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। लेकिन अगर ये सोर्स जो है, देखिए सोर्स आर बिलीवेबल, मतलब कि जो सोर्स, जिस सोर्स से इनको सूचना मिली है अगर वो बिलीव करने के लायक है तो आपको मई लास्ट में क्या होगा, आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहां पर लिखा गया एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम दिस मंथ, किस मंथ से, आइए ये भी हम लोग देख लेते हैं किस मंथ से एग्जाम शुरू होने की बात की जा रही है। यहां पर आपको कई सारे लोगों ने ये बताया भी होगा कि अगस्त में एकदम आ ही रहा है, तो यहां पर हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए, यहां पर दिया गया है कि यूपी टेट जो है जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, तो एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, शिक्षक सेवा चयन आयोग के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। और वेयर इज द एप्लीकेशन प्रोसेस, यूपी टेट का एप्लीकेशन प्रोसेस जो है
मई मंथ के लास्ट में, जैसा कि अभी ऊपर कहा गया था कि अगर सोर्स बिलीवेबल है तो मई के लास्ट में शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि द एग्जामिनेशन फॉर दिस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, तो ये एकदम फिक्स नहीं है कि अगस्त में करा दिया जाएगा, यहां कहा गया कि अगस्त या सितंबर दोनों में से किसी में करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये अगस्त में ही नहीं एकदम फिक्स है, अगस्त या सितंबर में दोनों में से किसी मंथ में हो सकता है। लेकिन अभी आपको ध्यान ये रखना है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुरंत हो ही जा रहा है। लेकिन अब यहां पर संभावनाएं ये बन रही हैं कि आपको परीक्षा देने को मिलने के चांसेज बढ़ गए हैं, है ना, परीक्षा देने के चांसेज आपके बढ़ गए हैं। तो आपको जैसा कि मैंने भी बताया था कि इसी जो है आपको मई में, जैसा कि चुनाव चल रहा था तो चुनाव के बाद इसी मई में आपका क्या हो गया, आचार संहिता समाप्त हो गई है। तो अगर मई लास्ट में आपको मिल जाता है यूपीटेट का नोटिफिकेशन तो आप अगस्त मान के चलिए, या फिर मैं कह रहा हूं कि सितंबर, ठीक है, अगर सितंबर में परीक्षा होती है तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, आप एकदम जुट जाइए। बाकी जो है स्टडी शाला की जो भी क्लासेज है वो स्टार्ट होने वाली है, वो होंगी, आपको बताया जाएगा। और जो देखिए मेन चीज होती है तैयारी में आपके, कि आपको सिलेबस जो है अच्छे से पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितनी चीजें पढ़नी है। आपके यूपीटेट में कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, आपको इन 5 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है। आपको मैक्सिमम कितने मंथ मिलने वाले हैं, ये आपका मई चल रहा है, लगभग आधा से ज्यादा खत्म हो गया है, और आपका बचेगा जून और जुलाई, आपके 2 मंथ जो हैं एकदम कंप्लीट बचेंगे। और इसके बाद आपका लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि 1 महीना, अगर मैं मान लेता हूं कि अगस्त नहीं सितंबर में होता है तो आप इसको कितना कह सकते हैं, 3 मंथ आपको ये कहा जा सकता है कि 3 मंथ आपके पास तैयारी के लिए समय मिलेगा। तो इसीलिए आप लगे रहिए और जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी को एकदम कंप्लीट करिए, और जो भी आपका सिलेबस है उसको आप टॉपिक वाइज देखिए। आप स्टडी शाला की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर टॉपिक वाइज सिलेबस भी दिया गया है, वहां से आप सिलेबस देखिएगा। जितने सब्जेक्ट के सिलेबस आपको वहां पर नहीं दिए गए हैं वो आपको जल्दी ही यहां पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और आप एकदम तेजी से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको एकदम सही लगी होगी। तो ये संभावनाएं बन सकती हैं, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो आपको स्टडी शाला पर उसकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।